हेलो फ्रेंड, अखिल पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने हम अपने चैनल पे मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं जितना भी कॉमेडी सीन्स हो उस पर अपना रिएक्शन देने के लिए, और मैक्सिमम जो कॉमेडी सीन्स है वो हिंदी मूवीज ही है हम जो कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमने अभी तक हाल फिलहाल में बड़े बड़े एक्टर्स में सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, गोविंदा वैसा एक्टर्स का दिया है, एंड छोटा छोटा अलग मूवी भी थोड़ा दे दिया हमने, जैसे 1-2-3 हो, और कुछ जो YouTube क्रिएटर का कॉमेडी वो भी हमने ट्राई किया है दोस्तों कवर करने के लिए। तो दोस्तों, आज एक हम आइकॉनिक मूवी और उसमें से जितने भी बहुत सारे सीन्स हैं सब पॉपुलर है, सब कोई आइकॉनिक सीन्स है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मुन्ना भाई MBBS का। जी हाँ दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS एक ऐसा मूवी है जो मेरे हिसाब से संजय दत्त का जो करियर एक्चुअली डूब रहा था कुछ भी, और उनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनको एक कम बैक करा है बहुत अच्छा, फिर से एक नंबर जो टॉप के एक्टर्स में उनका फिर से गिनती होना स्टार्ट हो गया। एंड किस्मत भी देखिए, वो पहले एक्चुअली शाहरुख खान को मिला था मूवी, फिर जो भी डिफरेंसेस में मूवी फाइनली संजय दत्त को मिला। एंड मुझे जितना याद है ना, वो जो अरशद वारसी का जो कैरेक्टर था वो एक्चुअली पहले संजय दत्त को मिला था उसके बाद देखो कैसा चेंज हुआ, शाहरुख खान एंड संजय दत्त, फिर देखो कैसा चेंज हुआ जिसका जब जो भाग में रहता है, किस्मत में रहता है। तो दोस्तों, इसमें से एक जो सीन है आज हमने पिक किया, वैसे तो बहुत सारा सीन था इसमें देने के लिए, कुछ कॉमेडी सीन, मूवी पूरा स्टार्ट से एंड तक कॉमेडी कॉमेडी है, इवन जो इमोशनल सीन भी है बहुत ही अच्छा है इसमें। तो दोस्तों, आज हमने जो पिक किया वो है मुन्ना भाई का एडमिशन सीन, जो मेडिकल कॉलेज में कैसे वो एडमिशन पाएंगे उससे रिलेटेड जो ये सीन है। तो दोस्तों, ये देरी नहीं करते हैं, ये सीन देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं, आइए दोस्तों। इसको पूछता हूँ, सफारी सूट, सफारी सूट एडमिशन के लिए किसको मिलने का? उधर कैजुअलिटी में जाके फॉर्म भरने का। पेशेंट कौन है? कोई नहीं। उधर एडमिट किसको करने का है? भाई को। क्या हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ। तो फिर एडमिट क्यों करने का? डॉक्टर बनने का। किसको? अरे भाई को रे, ये अपुन की बात कर रहे हैं मैं भी सोच रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊं। भाई को जितना सहने का था ना सह लिया। चल अभी बोल किसको मिलने का। बोलता हूँ ना, आपको डॉक्टर बनने का है ना, तो सीधा जाके डीन से मिलिए। डीन बोले तो? डीन बोले तो हेडमास्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है ना, वही आपको एडमिशन देगा। किधर मिलेगा? अभी वो ऑपरेशन थिएटर में रहेगा ऊपर। ऑपरेशन थिएटर याद नहीं है? कौन है? बेचारा उसका टेंशन हो रहा है। एडमिशन चाहिए, HSC परसेंटेज क्या है? बोले तो 12th स्टैंडर्ड, 12वीं में कितना मिला? ये डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? कम से कम 90%। हाँ तो मिला ना? क्यों सर? हाँ मिला, शाम तक सर्टिफिकेट मिला, अभी टेंशन है। तो एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, और अगर उसमें पास हो गए तो एडमिशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन एडमिशन किसको चाहिए? ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स इट्स कंपलसरी। तूने दिया था? ऑब्वियसली मैंने उस एग्जाम में टॉप किया था। डॉक्टर रुस्तम पावरे, रहते किधर तू? नाना फांसी कॉलोनी। तेरे को अंदर नहीं जाने का, अपुन को बहुत तैयारी करनी है एग्जाम के लिए। प्लीज गो, प्लीज गो। थैंक यू। भाई बचपन ना माँ बोलने की एग्जाम के पहले ना दही चक्कर खाने का, माँ भी एकदम सॉलिड आता है। तेरा बाप तो रानी के पीछे हाथ धो के पड़े, और किसी को हाथी से टपरी बना रहे।
टेंशन काय को लेता है, तेरा बाप अपुन के साथ है ना, बोला ना तू जा अपुन का एग्जाम देके जा, देखा ऐसा कॉन्फिडेंस में जाने का मुन्ना भाई के वहां पे तेरी ऐसी की तैसी मन थके ले डॉक्टर निकलना अपुन को एग्जाम में लेट होने को अच्छा नहीं लगता। तेरे भाई का सर्टिफिकेट दिखाया कि नहीं 98% आया है, मत मत करता है क्या जाने किस्मत की रेखा क्या कहती है। ये लो पप्पा, ये लो अपना चलती रहे ब्रह्मा नु जूस पीवा लो क्या जाने किस्मत की रेखा क्या कहती है, आँख में चाली किस्मत से चलती रहती है। ये पप्पा तुम शुरू से ये रानी की पिच्छू काय को पड़े रानी तो पप्पा नहीं रानी तो पप्पा नहीं सुबह हो गई एकदम सुबह हो गई मुरली प्रसाद मजा आया। देख ये सब सीन हम देखे हैं लेकिन जो भी कुछ साल तो हो ही गया, देखे वापस अब लेकिन कितना मजा आ रहा है सब हमको सीन जब मालूम है क्या क्या होने वाला है, फिर भी कितना एक्साइटमेंट है देखने के लिए है ना। वो डायलॉग सब भी अच्छा डायलॉग वो जो एक्टिंग डायलॉग सब बोलने का जो तरीका वो जो स्लैंग है या डायलेक्ट है दोनों का बोलने का टपोरी वाला लेकिन अरसा वर्षी तो हाईलाइट है। चाकू को घुमा के छपरी है टपोरी है जो भी पूरा मजा आ गया है ना। वो बहुत अच्छा काम किया, उनको बहुत पहले कभी एक कोई सीन में देखा था यहाँ पे लेकिन बहुत फेमस हुए थे जो रुस्तम पावरी बने थे ना यहाँ बहुत फेमस हुए थे। वो बहुत ही एक अच्छा एक इनोसेंट और बहुत अच्छा प्यारा पारसी डॉक्टर का रोल किया था, बहुत मजा आया था। ये भी अच्छे थे उनका जो फादर थे वो भी बहुत अच्छा था, दो भी दो चार सीन था उनका बड़ी मस्त है ना। डेब्यू मूवी में क्या काम किए थे जबरदस्त पूरे एक एक्टर, वो भी इतना लेट एज में आई गेस मतलब शायद मेरे हिसाब से लेट 40s में या तो शायद 50s में होंगे तब काम किए, मुझे ऐसा लगता 48-50 के टाइम, बट जो भी हो जबरदस्त किए थे वो काम वो पूरा यादगार रह गया था वो तो रोल है ना डॉक्टर जो। एंड उसके बाद उनके साथ तो बहुत काम किया था विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ, मजा आ गया दोस्तों। ये लाइक आई गेस ये फर्स्ट मूवी था क्या ये अपना राजीव रैनी जी का है ना, ये कितना बहुत सारा फर्स्ट है एक्चुअली मूवी में वही 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 मैं बोला बहुत सारा फर्स्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा देखने के लिए दोस्तों। टू लाइक जो कॉन्सेप्ट इतना मजा आया है, सीन एक्चुअली नॉर्मल है बट जो उनका जो वे है बोलने का वो हमको पूरा हंसा दे रहा है कि बोले तो थिएटर में डायरेक्ट वो ऑपरेशन थिएटर में डायरेक्ट घुस गए यहाँ का डीन कौन है। अच्छा था सीन तो बहुत मजा आया दोस्तों देखने के लिए। वो मैंने वो सर्टिफिकेट भी शाम तक मिल जाएगा बोल रहे टॉपर शाम तक आ जाएगा सब कुछ पूछ ले ठीक है दोस्तों हम ट्राई करेंगे। मुन्ना भाई MBBS से और भी बहुत सारा सीन वैसे तो है, ट्राई करेंगे वो भी सब आपके साथ शेयर करेंगे देखेंगे। ठीक है फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।